अरे बच्चा बेटे बचा ले, आ गया आ गया आ गया। तो गाइस यार देखो, वो रही मेरी वैनम फैमिली। और यार मेरे को नहीं पता आखिर मेरी वैनम फैमिली यहाँ पर पहुँच कैसे गई। वो असल में दद्दू के साथ अपनी गाड़ी में जा रहे थे। अरे पापा बचाओ बचाओ। हाँ तुम्हें बचाऊंगा मैं। तो गाइस यार पता नहीं यहाँ पर क्या ये इनविजिबल चीज है जिसके ऊपर ये सभी लोग खड़े हैं। और इसको नीचे से देखने पे पता लगता है कि यहाँ पर कोई ग्लास है यार जो कि इनविजिबल है यार। और ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। अरे पापा बचाओ, हम नीचे गिर जाएंगे। उड़े बेटे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ पर खड़ा होना और कहाँ पर नहीं होना। बेटे मेरे को सिर में दर्द हो रहा, मेरे को लेटना है। अरे मुझे चक्कर आ रहे। अरे तुम लोग हिलना मत जहाँ पर खड़े हो। अगर तुम लोग थोड़ा सा इधर उधर हिले तो क्या पता तुम लोग नीचे गिर जाओ, क्योंकि वो जो सरफेस है वो इनविजिबल है, तुम लोगों को नहीं दिख रहा है यहाँ से। गाइस यार मैं क्या करूँ, क्योंकि गाइस यार मेरा बेटा बहुत ज्यादा शरारती है। अगर उसने थोड़ी सी भी हलचल की क्या पता वो नीचे गिर गया। तो अगर वो नीचे गिरे तो वो लोग डायरेक्ट कम से कम 300 फीट नीचे यहाँ पर गिरेंगे रोड पर और तीनों के तीनों मर जाएंगे। ओ गाइस यार मैं क्या करूँ, मैं मेरी फैमिली को कैसे बचाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर वैनम हूँ। और यार मेरी जंप भी देखो कितनी ज्यादा कम है, इतनी सी जंप के साथ उन लोगों के पास पहुंच भी नहीं सकता। मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं मेरी फैमिली की हेल्प कैसे करूं दोस्तों। अरे सुनते हो क्या, मुझे चक्कर आ रहे, इतनी ऊंचाई पर मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं नीचे गिर जाऊंगी, मुझे बचा लो प्लीज। हाँ मैं तेरे को बचा लूंगा, तू टेंशन मतलब मेरी बसंती। और मेरे पापा जी भी वहाँ पर, मेरे बेटा भी वहाँ पर है। अरे अरे इधर देखो हमारी तरफ। कौन? एक सेकंड, आयरन मैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे जैसे कि मैं देख सकता हूँ तुम तो बहुत ही बड़ी सिचुएशन में फंस चुके हो, अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम्हारी पूरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। हाँ वही यार मैं क्या करूँ, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। अरे नहीं नहीं तुम बचा सकते हो अपनी फैमिली को, तुम्हें असल में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तुम अपनी अपग्रेड की कैपेसिटी बढ़ाओगे जिससे तुम इतनी खतरनाक वाली जंप लगाओगे कि डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाओगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए तुम्हें असल में तगड़े तगड़े वेनम के सूट्स को पंच मारना पड़ेगा जिससे तुम्हारा मीटर अपग्रेड होगा और तुम जंप मार के डायरेक्ट अपनी वाइफ के पास पहुंच सकते हो, अपने बच्चे के पास पहुंच सकते हो और अपनी पूरी फैमिली को बचा सकते हो। तुम्हें ये करना पड़ेगा। ओके तो गाइस यार जैसा कि आयरन मैन ने बताया, मेरे को अपना जंप मीटर बढ़ाना पड़ेगा जिससे मैं जंप मार के वहां पर पहुंच पाऊंगा। अभी मेरी जंप तो बहुत ज्यादा खराब है, पर एक बार मैं अपग्रेड हो जाऊंगा तो मेरी जंप बढ़ जाएगी जैसा आयरन मैन ने बोला। ओके तो चलो गाइस यार मुझे सिंपली, गाइस यार मेरे को इस वेनम के सूट को पंच मारना और हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे। लेट्स पंच इट। वो गाइस यार ये देखो हम लोग अपग्रेड हो गए एक अलग खतरनाक वाले वैनम के अंदर। अरे अरे अभी तो तुम्हें और भी बहुत सारे अपग्रेड्स करने पड़ेंगे क्योंकि अभी तुम्हारी जंप इतनी हुई भी नहीं होगी। ओके तो चलो गाइस यार ट्राई करता हूँ यहाँ से जंप लगा के अपनी वाइफ के पास पहुंचने की और अपने बच्चे के पास पहुंचने की। ये लेट्स गो जंप। ओ पहुंच गया। ए, ये क्या थोड़ा सा रह गया यार। ओ शिट, ओ मैं तो मरने वाला हूँ। ओ नो 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 क्या करूं। ओए ये क्या, ओए मैं मरा क्यों नहीं। ओ गाइस यार ये क्या हुआ, मैं मरा क्यों नहीं। अरे अरे तुम अब मर नहीं सकते क्योंकि तुम अपग्रेड कर चुके हो। अब तुम कितनी बार भी यहाँ ऊंचाई पे कूदो तुम नहीं मरोगे, पर अगर तुम्हारी वाइफ नीचे गिरी या बच्चा गिरा या तुम्हारा पापा गिरा तो वो लोग मर जाएंगे, इसलिए तुम्हें जल्दी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके शुक्रिया आयरन मैन। भाई साहब मेरे को भी अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को वैनम के और भी ज्यादा सूट चाहिए होंगे। चलो गाइस यार मेरे को मेरा जंप मीटर बढ़ाना पड़ेगा जिससे मैं बहुत ही ऊंची वाली जंप लगा के अपने वाइफ और बच्चे के पास पहुंच सकूं। लेट्स गो गाइस। तो गाइस यार मुझे मेरी जंप और भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, पर उसके लिए मेरे को और भी ज्यादा वैनम चाहिए होगा यार, मतलब और वैनम का सूट चाहिए। पर मेरे को और वैनम का सूट मिलेंगे कहां पर? वो एक सेकंड, यहां पर क्या चल रहा है यार? स्पाइडी तुम यहां पर क्या कर रहे हो? हे स्पाइडी आइला। अरे यार क्या बताऊं, दिमाग खराब हो रहा है। क्यों दिमाग खराब हो रहा है? आइला यार एक वैनम का बच्चा चोरी करके यहां पर छुप गया। कि कहां पर? अरे सभी वैनम्स के बीच में, मैं समझ में नहीं आ रहा हूं वैनम है कौन सा, उसको ढूंढ के निकालना यार प्लीज यार, वो चोरी करके भागा है। ओके ये तो काफी इजी होगा। अरे प्रॉब्लम ही तो ये है, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं नहीं ढूंढ पाया कौन सा वैनम असली है, तो समझो ये सभी के सभी वैनम फट जाएंगे और वो गायब हो जाएगा। क्या क्यों, ये क्यों फटेंगे? अरे इनको अच्छे से देखो, ये अजीब चीज से बने हुए, चिकनी चिकनी जैसे तो कोई मट्टी हो। एक सेकंड देखने दे। ओ भाई सब सही कह रहा है यार, ये देखो क्या अजीब सी चीज है यार, किस चीज से बना हुआ ये पता नहीं, ये वाला वैनम पर काफी कीचड़ कीचड़ लग रहा है मेरे को ये। अरे वही तो कीचड़, अगर कीचड़ फटी तो चारों तरफ फैल जाएगी और सब गंदा हो जाएगा, इससे पहले कीचड़ फटे तुम उस वैनम को ढूंढना पड़ेगा। ओके ओके गाइस यार मेरे को इनमें से कोई एक असली वैनम है उसे मेरे को ढूंढ के निकालना है, पर इनमें से असली वैनम है कौन सा मेरे को ये भी तो नहीं पता है, सारे के सारे तो एक जैसे दिख रहे हैं, कोई है क्या यहाँ पर नकली वैनम, इनके बीच में निकल के देखता हूँ। भाई साहब मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कोई असली वैनम भी है, सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं, वही व्हाइट व्हाइट से थोड़े थोड़े और वही काले काले से, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई वैनम असली है। यार सच्ची असली है? हाँ यार मेरे को वैसे ढूंढ कर निकालना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर असली वैनम है वो बाहर आ जाओ। ओए बाहर आओ ना।
अरे यार वो ऐसे तो नहीं आने वाला जो असली वैनम, और मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है यार यहाँ पर असली वैनम है कौन सा। मेरी आँख ही कमजोर है, अगर तुम लोगों को कोई असली वैनम यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि सुमित भाई असली वैनम वहां पर है, आप कौन सी लाइन में असली वैनम दिख रहा है तो मुझे बताओ जल्दी सी। अरे बताओ ना कहाँ पर असली वैनम, टाइम निकले जा रहा है भाई और मेरी जंप भी बहुत कम है यार। शिट मैं नीचे और गिर गया। ओ भाई ऊपर चढ़ना पड़ेगा जल्दी सी, जंप मार के ऊपर चलता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास ज्यादा। चलो चलो भागो 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 भागो। ये लगाई जंप और ये आ गए हम लोग वापस ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट। ओके तो गाइस यार मेरे को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, एक काम करता हूँ मैं अक्कड़ बक्कड़ करता हूँ। कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। ओके इस पे आया है गा, तो मतलब इसी लाइन के अंदर होना चाहिए वो असली वैनम। और मेरे को पता है इस बार हम उसे कैसे ढूंढेंगे, इस बार कोई नॉर्मल तरीके से नहीं, इस बार मैं लिखा लूंगा लेजर वाली गन। अबे यार ये क्या फसड हो गई, जैसी मैंने लेजर गन चलाई वैसी अफरा तफरी मची और ये सारे के सारे आपस में इकट्ठा क्यों हो गए भाई। मेरे को लगता है ये सब उस वैनम का किराया धरा है। मेरे को भी ऐसा लगता है, उसको पता चल गया कि तुम उसे ढूंढने वाले हो। बात तो तू सही कह रहा है पर मैं भी नहीं मानूंगा, मैं इनको उड़ाऊंगा। ये ले ओए इनका कुछ हो क्यों नहीं रहा। अब भाई सब ये कैसा कीचड़ है, इनमें से खून भी निकल रहा है भाई, पर इसको कुछ ओ क्यों नहीं रहा। मैं तेरी ऐसी तैसी, एक सेकंड इसको ऐसे नहीं, इसके लिए मेरे को कुछ और लाना पड़ेगा। अब तो इनको पता नहीं पड़ेगा कि कौन असली कौन नकली है। ओ पेटे असली वैनम पक्का बाहर निकल जाएगा, अब सबको उड़ा दूंगा। डड्डी मजा आ गया यार, चलो एक बार फुल स्पीड में फिर से चलते हैं। और ये बूम, अरे ये क्या हुआ भाई, ये गाड़ी तो जंप मारती है, ये नहीं पता था मेरे को, वापस लेके जानी पड़ेगी। हाँ तो चलो गाइस यार हम लोग वापस आ चुके हैं। और ये बूम 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 बूम, चढ़ा दूंगा एक एक को, छोड़ूंगा नहीं। ये ले ये ले ये ले ये ले। ओ भाई साहब कुछ भी नहीं हो रहा, लगता ही नहीं है मेरे को यहाँ पर कोई असली वैनम भी है। और ये फिर से चला और ये धड़ाक, वो भाई साहब अरे मेरे को क्यों उड़ा रहा, पागल हो गया क्या। ओके तो गाइस यार इस बार जो ये सामने झुंड है ना इसमें टक्कर मारेंगे हम लोग, और मैं इस बार पीछे से भगा के लाऊंगा बिल्कुल फुल स्पीड में। इस बार की टक्कर में तो बहुत कुछ होने वाला, ठीक है। और ये हम लोग चले फुल स्पीड में, ये भाई साहब अरे 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 गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही। ओ शिट मैं तो गलत जगह पर उठा लाया। अरे यार इस तरफ नहीं, इस तरफ करेंगे इस बार, और इस बार मैं वहां से पीछे से भाग लाऊंगा और एक बार में सारे के सारे वैनम उड़ने वाले हैं। ये बिल्कुल पीछे आ गए यार हम लोग, देख रहे हो यहाँ से तो काफी तेज स्पीड बनने वाली है। और यहाँ पर सबसे पहले करेंगे हम टायर गरम, और ये हम लोग चले 40 50 60। इस बार बच नहीं पाऊंगा अगर वो गाड़ी लेके आया तो। अरे हटो हटो मेरे सामने से गंदे, अरे मत मारो प्लीज, मैं बाहर आ गया, मत मारो मेरे को। क्या ओए मैंने सही देखा क्या, ओ मैं आया। अबे भाई मेरी जंप इतनी ज्यादा हो गई कि बार बार नीचे गिर जाता हूँ। ओ भाई साहब आइला जल्दी आओ आ गया वैनम। ओ भाई साहब मैंने बोला था मेरा प्लान काम करेगा। ओके तो गाइस यार ये आ गया वैनम, और यहाँ पर स्पाइडरमैन ने अपने पिछले टेंटिकल्स से इसको पकड़ रखा है। अरे जल्दी करो इसको, क्या करना है तुम्हें, इससे पहले भाग जाए। मुझे छोड़ दो प्लीज, चोरी नहीं करूंगा अब। नहीं 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 चोरी से ज्यादा महंगा काम है तुझसे मेरे को, ठीक है। चलो गाइस यार अब जल्दी से अपग्रेड होते, इससे पहले ये भाग जाए। लेट्स अपग्रेड। वो गाइस ये देखो हम लोग वैनम के अंदर अपग्रेड हो गए और भी खतरनाक। अरे ये क्या हुआ। अरे कुछ नहीं, चल ठीक है शुक्रिया स्पाइडरमैन तेरा। ओके तो गाइस यार हम लोग और भी ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं, इसका मतलब हमारी और भी ज्यादा लंबी जंप हो गई होगी। ये वाह, अरे ये क्या, मेरी जंप तो कहीं भी लंबी तो ही नहीं, ये क्या चक्कर है। वो गाइस ये देखो अब मेरे हिसाब से अपग्रेड तो हो गया था पर पावर एक्टिवेट नहीं हुई थी। ये बूम, अरे हाँ सबसे मेन चीज तो मेरे को जंप मारना देखना है ना, कितनी ऊंची जंप लगाऊंगा मैं। ये भाई साहब पहले से मैंने शायद काफी लंबी जंप लगाई, एक और बार ट्राई करता हूँ। 1 2 3 ये यार मैं काफी लंबी जंप लगा पा रहा हूँ, अब शायद मेरे को ट्राई करना चाहिए और मैं मेरी फैमिली को बचा सकता हूँ। लेट्स गो। अरे तुम आ गए, चलो ट्राई कर अपनी फैमिली को बचाने का। हाँ वही करने वाला हूँ। और ये 1 2 3 जंप, वो अरे पहुंचाऊंगा। अरे ये क्या, शिट भाई साहब थोड़ा सा रह गया, मतलब मेरी जंप पहले से ऊंची हो गई है पर लंबी नहीं हुई है, मतलब मेरे को अपने आप को भी और भी ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी जंप को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अरे बेटे लगता कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ये मेरे को लगता मरने वाले। अरे पापा बचाओ। वो गाइस ये देखो
जो वो कांच था उसके अंदर तरेड़ आनी शुरू हो गई है। ये देखो मैं नीचे से दिखाता हूँ, ये देखो गाइस यार इस कांच के अंदर तो तरेड़ आनी शुरू हो गई है। मुझे जल्दी करना पड़ेगा, बहुत ही कम टाइम है। अगर वो कांच टूट गया तो मेरे घर वाले सीधे नीचे आके गिरेंगे और मर जाएंगे। वो शायद गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। ओके तो गाइस यार मेरे को अभी दूसरा वेनम चाहिए, मतलब तीसरा वेनम चाहिए। और मेरे को पता चला है वो असल में वेनम मेरे को इसी मिलिट्री बेस के अंदर मिलने वाला, पर मेरे को ये नहीं पता कहाँ पर मिलने वाला है। हेलो तुम ही हो क्या जो यहाँ पर बताएगा मेरे को? हाँ, अरे तुम वही हो ना जो वेनम का सूट ढूंढने आया है? हाँ, मैं वही हूँ। अरे यार उसके लिए तो तुम्हें बहुत ऊंची जंप लगानी पड़ेगी। हैं, और वो कैसे लगेगी? एक्चुअली ये देखो, यहाँ पर मिलिट्री बेस के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। तुम्हें एक एक करके उन सभी के सभी ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से जंप लगाने, जैसे जैसे तुम उन ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से जंप लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारा जंप मीटर बढ़ेगा। और उसके बाद तुम्हें एक बहुत ही ऊंची जंप लगानी है जिससे तुम असल में जाओगे इस टावर के ऊपर। इस टावर के ऊपर जंप लगा के तुम्हें मिलेगा अगला वेनम का सूट जो कि है खतरनाक। पर ये सब स्टार्ट करने से पहले और वो वेनम का सूट लेने से पहले तुम्हें मेरे क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का जवाब देने के बाद ही तुम ये सब कर पाओगे। ओके ओके जल्दी पूछ भाई, क्या क्वेश्चन? क्यों, मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मेरी फैमिली कभी भी गिर सकती है। हाँ तो क्वेश्चन का जवाब देना है तुम्हें, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो तुम मुझे ये बताओ आखिर हमारा देश भारत कब आजाद हुआ था? ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम मिलिट्री बेस के अंदर खड़े हो। ओके 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 मेरे को ये बताना कि हमारा भारत देश कब आजाद हुआ था। हाँ जल्दी आंसर दो और अपना इनाम पाओ। 1947। ओके बिल्कुल करेक्ट, 1947 एकदम सही एक्यूरेसी से जवाब दिया है तुमने। अब मेरे को दूसरा क्वेश्चन ये बताओ, जो गन के अंदर कौन सा पाउडर डलता है, मतलब वो क्या होता है जिससे फायर होता है? हाँ वो तुम्हें जानन क्या होता है वो? ओके बारूद काम आता है गन के अंदर डाल के जिससे हम फायर करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर, चल अब जाओ। ओके तो गाइस यार मेरी जंप तो बहुत ज्यादा है ना, तो मैं इजीली सारी चीजों के ऊपर से कूद जाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मेरे को इसके ऊपर से कूदना है और ये परफेक्ट, ये देखो भाई साहब, और हमारा मीटर भी बढ़ रहा है यार। तो ये था सबसे छोटा ऑब्स्टिकल जिसके ऊपर से मैं कूदा हूं। अब मेरे को इससे बड़े के ऊपर से कूदना है जो कि ये है यहां पर, इसके ऊपर से मैं इजीली कूद जाऊंगा। बिल्कुल परफेक्ट, और हमारा मीटर और भी ज्यादा बढ़ गया। नाइस नाइस गाइस यार, अब मेरे को इस ऑयल टैंक के ऊपर से कूदना है और इसके ऊपर से भी हम आसानी से कूद जाएंगे। और ये लो भाई साहब ऑयल टैंक के ऊपर से भी आसानी से कूद गए। अब मेरे को किसके ऊपर से कूदना है? इस वाली क्रेन के ऊपर। हाँ ये वाली क्रेन इससे थोड़ी बड़ी है ना ऑयल टैंक से, तो इसके ऊपर से कूदते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट, इसके ऊपर से भी कूद गए। अब मैं सामने इन मिसाइल्स और इन चीजों के ऊपर से कूदूंगा और ये लो भाई इसके ऊपर से कूद गया। ओ भाई मैं तो थक रहा हूं जंप लगाते लगाते, इसलिए शायद मेरी ट्रेनिंग हो रही है यार। जैसे जैसे मैं जंप लगा रहा हूं मैं थक रहा हूं, पर मैं और ऊंचा कूद पाऊंगा फिर। थोड़ी देर सस्ताते हैं और अब मैं कूदने वाला हूं इस चीज के ऊपर से। ओके ये हम लोग चले फुल स्पीड में और ये लगाई हमने जंप, और ये भाई साहब हमने इसके ऊपर से भी जंप लगा ली बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और यार ये देखो मीटर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो गाइस यार अब हम लोग कूदेंगे इन वाले बॉक्सेस के ऊपर से। तो चलो गाइस ये लगाई हमने जंप और ये एकदम बिल्कुल परफेक्टली हमने लगा दिए जंप, और ये बॉक्सेस के ऊपर से हम लोग यहां पर भी आ गए। नाइस नाइस बिडू। चलो गाइस यार अब आगे चलते हैं क्योंकि वहां पर और भी ऊंचे ऊंचे चीजें हैं जिनके ऊपर से मैं कूद सकता हूं। और गाइस यार वहां पर भी बहुत सारे कंटेनर्स हैं जिनके ऊपर से हम लोग कूद सकते हैं। पहले इनके ऊपर से कूद से ये लगाई हमने जंप बिल्कुल परफेक्ट, वो भाई साहब एकदम सही है। तो गाइस यार अब मैं थोड़ी ज्यादा ऊंची चीजों से कूदूंगा, जैसे कि यहाँ पर एक घर है छोटा सा इसके ऊपर से, पर मेरे को आप लोगों की मदद चाहिए। जैसे मैं जंप लगाऊंगा आपको भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है जंप, जिससे यहाँ से हम लोग जंप लगाएंगे। ओके 1 2 3 जंप, वो भाई साहब ये भी हमने कर लिया बिल्कुल परफेक्ट। चलो गाइस नाइस नाइस, अब बारी आती है इस खंबे के ऊपर से जंप लगाने की। अगर मैं इस खंबे के ऊपर से जंप लगा पाऊंगा तो मैं और भी ऊंची जंप लगा पाऊंगा। चलो एक काम करते हैं 1 2 3 और ये लगाई हमने जंप, और ये क्या शेट भाई मैं तो गंदे वाला गिर गया नीचे। भाई मैं इस खंबे के ऊपर से नहीं कूद पाया, मतलब मेरी जंप इतनी ज्यादा नहीं है अभी। अब मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, मैं एक और बार फिर से ट्राई करूंगा, पर आप लोग मेरा साथ देना। कमेंट बॉक्स में लिखना आपको सुपर जंप, ठीक है? ओके तो गाइस जैसा मैंने बोला आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है सुपर जंप, जिससे मैं इस वाले खंबे के ऊपर से भी कूद पाऊंगा। ओके 1 2 3 सुपर जंप, भाई साहब ये देखो मैं इस खंबे के ऊपर से भी कूद गया बिल्कुल परफेक्टली, मजा आ गया यार। चलो गाइस यार अब और ऊंची जंप लगाते हैं और इस बार मैं इस बिल्डिंग के ऊपर कूदने वाला हूं। ओके 1 2 3 जंप, और ये देखो भाई साहब हमने इस बिल्डिंग के ऊपर से भी जंप लगा लिया बिल्कुल परफेक्ट, हम इस बिल्डिंग के ऊपर आ चुके हैं। और इससे ऊंची कौन सी बिल्डिंग है सामने देखते हैं। तो चलो गाइस यार अब हम लोग को बताऊं क्या करने वाले, ये बीच में गैप देख रहे हो आप इतना बड़ा, हम इतना बड़ा गैप कवर करेंगे एक ही जंप के अंदर। और ये लगाई हमने जंप, ओ शिट भाई मिस हो गया, फिर से ऊपर चलते हैं। ये आ गए हम लोग ऊपर और एक बार फिर से जंप लगाऊंगा मैं। ये लगाई हमने जंप और ये पहुंच जाऊंगा ना, मैं पहुंच गया परफेक्ट।
तो गाइस यार अभी तक हमारा मीटर एकदम परफेक्टली बढ़ता जा रहा है। अब मेरे को शायद ट्राई करना चाहिए और ऊपर चढ़ने की, मतलब अब मेरे को कौन से टावर पर चढ़ना चाहिए, मेरे को शायद पहले दूसरे टावर पर चढ़ना चाहिए। मैं चढ़ूंगा पहले इस वाले टावर के ऊपर, ठीक है। ओके 1 2 3 जंप लगाई हमने और ये भाई साहब ये वाला टावर मैंने पूरा का पूरा क्रॉस कर दिया यार, बढ़िया बढ़िया। तो गाइस यार मेरा मीटर काफी ज्यादा फुल हो चुका है, इसका मतलब मैं इजीली अब इस वाले टावर के ऊपर चढ़ पाऊंगा और नया वाला सूट ले पाऊंगा। चलो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं और आप लोगों की मदद चाहिए लिखना है सुपर जंप कमेंट बॉक्स के अंदर। 1 2 3 सुपर जंप और ये लगाई जंप। आ ये क्या, मैं तो इसको पार करके आ गया यार, मेरे को छोटी जंप लगानी पड़ेगी। ये पहुंच जाऊंगा इस बार परफेक्ट, थोड़ा सा रह गया, फिर से ट्राई करना पड़ेगा यार, क्योंकि यार मेरे को जंप लगाना तो आ गया पर मेरे को अब भी कंट्रोल नहीं है मेरी जंप के ऊपर, मैं कितनी ऊंची जंप लगा रहा हूँ। और ये परफेक्ट, वो भाई साहब ब्लास्ट हो गया, इसके ऊपर चढ़ना मेरे को। ये आ गया हम लोग ऊपर, अब कहाँ गया ये रहा सूट। तो चलो गाइस यार अपने आप को अपग्रेड करते हैं, 1 2 3 लेट्स अपग्रेड। वो गाइस ये मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, ओए नीचे ये कौन है पीला पीला, अरे एक सेकंड ये तो कोई प्लेटफॉर्म लग रहा है। ओ रे भाई ओ तेरी जय, क्या गंदा वाला गिरा हूँ मैं यहाँ पर। एक सेकंड यहाँ पर आखिर ये चल क्या रहा है यार। ओए एक सेकंड ये भी वैनम है मेरे साइड में, हाँ और ये भी वैनम है। अबे ये कौन वैनम लोग है। हाय तुम सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज में। आज का रैम चैलेंज बहुत ज्यादा एंडी होने वाला है क्योंकि आज का रैम चैलेंज जीतने वाले को मिलेगा उसका मन चाहे इनाम। तो ये रैम चैलेंज तुम तीनों में होगा, तुम्हें यहाँ से बाइक लेनी जो भी तुम्हें पसंद है। ओए आयरन मैन का हूँ चेला, रहता हूँ अकेला, मेरा नाम है वैनम बस्टर। तो वैनम बस्टर है पहला हमारा कंटेस्टेंट, दूसरा कंटेस्टेंट मेरा नाम सुमित है। हाय दूसरा कंटेस्टेंट है सुमित और तीसरा हाय ये तो काफी अजीब है। तो तुम्हें यहाँ से बाइक लेनी है और उसके बाद तुम्हें जाना है यहाँ सामने बचते बचाते, ये बहुत ज्यादा काम का है खतरा। मेरा नाम है डॉक्टर बत्रा। हैं क्या बकवास कर रही है, यहाँ से लेनी तुम्हें साइकिल, उसके बाद यहाँ से टपाक टपाक करते हो तुम यहाँ पहुँचोगे, जीतने है वाले को यहाँ पहुँचना है, वो जो जीतेगा उसे मिलेगा जादुई इनाम जो निकलेगा शटर में से। ओए मैं हूँ आयरन मैन का चेला, रहता हूँ अकेला। ओके ये तो मैं समझ गया, पर तू यहाँ पर कर क्या रहा है वैनम बस्टर। मेरे को आयरन मैन ने भेजा है, बोला है कि जाके जीत के आओ। अच्छा तो इसलिए मैं यहाँ पर जीतने आया हूँ, ये देखो इजीली मैंने लकड़ी को पार भी कर दिया। अब ये कैसे किया तूने। अरे मैं हूँ आयरन मैन का चेला, रहता हूँ अकेला। हाँ वो तो ठीक है। ओके तो गाइस यार ये काफी ज्यादा सही कर रहा है, पर अगर यहाँ पर ये जीत जाता तो मेरे को यार अपनी फैमिली को कैसे बचाऊंगा, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा। ओए ये देखो आयरन मैन का हूँ चेला, रहता हूँ अकेला। हाँ समझ गया मैं, तो अपना काम करना, बीच में बोल रहा बार बार हमारे दिमाग चाट लिया। अरे चिल्ला क्यों रहा है भाई। हाँ तो गाइस यार जैसे मैं बोल रहा था, अगर मैं ये रैम चैलेंज नहीं जीत पाता हूँ तो गाइस यार मैं मेरी फैमिली को गिरने से नहीं बचा पाऊंगा और तुम लोग भी नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो, मेरी फैमिली मर जाए। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो गुड लक। अरे ये सामने दिखाई कुछ क्यों नहीं दे रहा। ओए भाई ये तो आगे बढ़ता जा रहा है और इसने तो साइकिल भी मिल गई। ओए ये तो काफी इजी था, आयरन मैन का हूँ चेला, रहता हूँ अकेला। अब कहाँ पर जाना है, उस साइड जाना लगता है। और अरे ये साइकिल तो बहुत ज्यादा तेज है। अरे एक सेकेंड ये तो काफी सही हुआ, साइकिल की वजह से मैं बच गया, वरना मेरी बैंड बच जाती। कोई बात नहीं, देखो कितनी आराम आराम से मैं आगे आ चुका हूँ। बस अब मेरे को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, मुझे बस यहाँ से निकलना है स्लोली स्लोली। साइकिल चलाऊं होड़े होड़े। अरे ये क्या, मैं हार नहीं सकता, मेरा नजर कहाँ चला गया था। ओह माय गॉड काफी बकवास कर ली, अब मेरी बारी है और मुझे कौन सी मोटरसाइकिल लेके जानी चाहिए। एक सेकेंड, अरे हट जाओ आगे से कलगुद्दे, मेरे को ये मोटरसाइकिल चाहिए, दिखने में काफी जबरदस्त लग रही है मेरी तरह। ये हट जा, सामने से ठोक दूंगा वरना। ये तो बहुत इजी है, बाइक को आगे से उठाया और ये जंप, ये देखो। अबे ये क्या, तू तो नीचे चला गया था ना। किसने बोला मैं नीचे चला गया, वो तुम्हारी आंखों का धोखा था, मैं तो अभी आगे पहुंचूंगा। अरे एक सेकेंड, लगता है मेरी हाइट ज्यादा थी, उसके लिए मेरे को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अब ठीक है। अबे ये तो चीटिंग कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ये चीटिंग नहीं, ये मेरी सुपर पावर्स है। यार ये कैसी सुपर पावर्स है तेरी। पर अब इसे मैं ज्यादा यूज नहीं कर सकता, मैंने मेरी सुपर पावर्स को 2 बार यूज कर लिया और मेरे दिन की लिमिट है सिर्फ 2 बार यूज करने की। इस बार अगर मैंने कोई गलती की तो मैं डायरेक्ट नीचे जाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि तू गलती करे। ऐसा तुझे क्यों लगता है, ये देखो मैं भी आगे पहुंच गया।
ओके तो गाइस यार ये भी अब साइकिल वाली जगह पे पहुंच गया, ऐसे तो जीत जाएगा। हाँ इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं नहीं जीतूंगा। ओ भाई ये क्या कर रहा है, ओ ये भी गया नीचे। ये कोई बात नहीं, कंट्रोल कंट्रोल, ये देखो यहाँ पर साइकिल को चलाना कितना ज्यादा इजी है। अबे यार मेरे को देखने में इतना हार्ड लग रहा था पर यहाँ पर इतनी हार्ड है नहीं साइकिल चलानी। ये देखो भाई आराम से ब्रेक लग रहे और ये नीचे भी पहुंच गया। नाइस अब मेरे को गाड़ी लेनी है। ओए भाई प्लीज 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 जीत मत जाइयो कि क्या तुम्हारे भाई ने कितनी मेहनत की अपनी फैमिली को बचाने के लिए, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे भाई ने यार। मैंने असल में यार वहां पर असली वैनम को ढूंढ के निकाला इतने सारे नकली वैनम्स में से, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे भाई ने यार अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अब मेरी बारी है जीतने की, एक बार मैं जीत जाऊं तो मैं खुद को ऐसी सुपर पावर्स दूंगा जिसे मैं कितने भी टाइम बाद यूज करूं वो अनलिमिटेड ही रहेगी। ये कैसी सुपर पावर होगी? ये होगी खतरनाक सुपर पावर, बोले तो सबसे अल्टीमेट। ये देख घिसड़ घिसड़ मेरी रानी घिसड़। ओए आगे क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ वेनम का राज है। राज होता है राज नहीं होता वो, ठीक है ना, वही सेम सेम पर डिफरेंट। ओ भाई चाना नीचे बच गया यार, थोड़ा सा रह गया वरना सीधा नीचे जाता ये वेनम का बच्चा। बस अब यहाँ से लेनी है मुझे जंप। ये देखो आई, ये क्या, शिट मेरी तो किस्मत ही खराब है। ओके तो गाइस यार अब तुम्हारे भाई की बारी है और मैं लेके जाने वाला हूँ ये वाली बाइक, क्योंकि यार ये वाली बाइक मेरे को काफी ज्यादा सही लग रही है बाकी बाइक से। अब मेरे को भी यहाँ पर इसके ऊपर से निकलना है बिना नीचे गिरे। ओके तो गाइस यार ये हम लोग चले आगे ठाके, ये लगाई जंप बिल्कुल परफेक्ट और ये नीचे बिल्कुल बढ़िया तरीके से यार। तो गाइस यार हमने तो लड्डा यहाँ पर पार कर दिया है, अब धीरे धीरे ज्यादा तेज नहीं, एक सेकंड मेरे हिसाब से मेरे को भी ऊपर जाना पड़ेगा, पर मैं ऊपर कैसे जाऊंगा यार, उसके पास तो सुपर पावर्स थी। ओ शिट प्लीज अंदर चला जाऊं। ओ टेडी टेडी मेडी आई शिट, अरे 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 भाई फंस गया मैं तो, क्या करूं मेरी हाइट बहुत ज्यादा है, मैं निकल नहीं पा रहा। हे निकलो निकलो निकलो, अरे भैया फंस गया निकल जाऊंगा। जय मां काली, ए हट जा, निकलने दे मेरे को। वाओ बच गया भाई साहब, फंसते फंसा से हम लोग बाहर तो निकल आए हैं। काफी हार्ड था यार, मेरी टांट छिल गई है लगता है, थोड़ी बहुत छिली है, कोई बात नहीं। ओके चलो चलो धीरे धीरे, कोई बात नहीं पहुंच जाएंगे हम लोग यार, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो ना। जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो लकी जिससे तुम्हारा भाई जीत जाए। ओ एकदम बढ़िया बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट, और ये लगाई हमने जंप। ओ भाई एकदम सही है, चलो भाई साहब हम लोग भी पहुंच गए यहाँ पर। यहाँ पर तो हर कोई पहुंच रहा है यार काफी इजिली। अब आ गए हम साइकिल वाले पे, एक सेकंड में यहाँ से डायरेक्ट भी तो नीचे जा सकता हूँ, मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्या पता यार डिस्क्वालीफाई हो गया तो, हाँ नहीं करना चाहिए मेरे को। शिट 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 शिट, बाइक फिसल गई मेरी। ओए ओए ब्रेक 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 ब्रेक, अब नहीं 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 उस तरफ जाना है, प्लीज 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 यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई साइकिल के अंदर ब्रेक कम है यार, बाकी साइकिल के अंदर ज्यादा अच्छे थे। पहुंच गया, अरे भाई सब परफेक्ट, अबे सीधी हो ना। क्या है गाइस यार, तुम लोगों में से किस किस के पास साइकिल है मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है यार। मेरे पास तो नहीं थी बचपन में, तुम लोग बताना तुम लोगों के पास अगर साइकिल है तो। ओए शिट, ओ भाई सब बचते बचाते हम लोग आगे आ चुके हैं बिल्कुल धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली उतरो इसमें से जल्दी, सब मेरे को लेनी है गाड़ी, जल्दी भागो। गाइस यार मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आ रही, आखिर सभी वेनम ब्लैक होते हैं तो मैं कौन सा ग्रीन वेनम बनाऊं, मेरे हिसाब से ये बताऊं कौन सा वेनम है। ये असल में हल्क वेनम होगा यार, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। बस मेरे को एक बार ये रैम चैलेंज जीतना, उसके बाद मेरी फैमिली को बचा लूंगा। ये घसट्टा मारे तेज तुम्हारे भाई ने। आगे क्या है? ओ डर गया भाई एक सेकंड के लिए, मेरे को लगा आगे रास्ता नहीं है यार, टूट वूट तो नहीं गया कहीं पर रास्ता है। चलो भाई साहब अब मेरे को खींच के लेनी है गाड़ी बिना स्लो करे। ओ शिट 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 शिट, ज्यादा तेज हो गई। ओ बच गया भाई, मैंने भी अभी गलती करती थी। ओके अब यहां पर क्या करना है, रुक, यहां पर मेरे को जंप नहीं लेनी, यहां पर मेरे को स्लो रखनी मेरी गाड़ी, क्योंकि जंप लेने का मतलब नहीं है, मेरे को यहां पहुंचना है बिल्कुल परफेक्ट। अरे मेरे को लगा ही था यार, हम तो बिल्कुल है यार जीनियस आदमी। चलो गाइस यार अब यहां पर शिट, विंडमिल से पीछे, अगर विंडमिल में गलती से टच हो गया तो खत्म तुम्हारा भाई का गेम। ओके बस यार हम लोग बस जीतने वाले, मेरे हिसाब से मेरे को लास्ट जंप लेनी यहां से और हम लोग जीत जाएंगे। ये लगाई हमने जंप, वो पाइस ऑफ फिनिश लाइन, वो तो गाइस यार ये देखो फाइनली हम लोग जीत चुके हैं। ओए ओए ओए, चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करता हूं इससे पहले कि वो कांच टूट जाए। कौन से शटर में से, हे जादू शटर मेरे को एक ऐसा सूट दे दे वेनम का जिससे मैं हवा में उड़ सकूं। वो गाइस ये देखो ये कौन सा वेनम का सूट है यार, चार चार हेड है इसके अंदर तो। चलो गाइस यार बिना टाइम वेस्ट के अपने आप को अपग्रेड करता हूं, 1 2 3 लेट्स अपग्रेड। वो भाई साहब ये सूट तो सेमी काफी ज्यादा कमाल का, ये देखो मैं तो हवा में उड़ पा रहा हूँ यार। वो ओ बेटे मजा आ गया यार,
क्या कमाल का सूट है, देख रहे हो आप लोग, चक 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 चक्री बन जा रही है यार, खतरनाक खतरनाक। अब तो तुम्हारा भाई आसानी से अपनी फैमिली को बचा लेगा। चलो गाइस यार, बचाते अपनी फैमिली को जाकर। यो मेरी फैमिली में आ गया। अरे जल्दी आओ। अरे पापा बचाओ। अरे बेटे कहाँ रह गया था, और ये क्या हो गया तेरे को, वो टूट कैसे पा रहा है? पापा मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया आप लोगों को बचाने के लिए, मैं हवा में उड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पर निकले आए हैं। अब बचाओगे भी? हाँ बचा रहा हूँ। ओके तो गाइस यार ये देखो मैंने गाड़ी को हवा में उठा लिया है, चलो अब इनको आराम से नीचे उतारता हूँ जाके। अरे पापा आप तो बहुत पावरफुल हो गए। अब ठीक है सभी लोग चलो उतर जाओ यहाँ पर। उड़ा बेटे तूने सबको बचा लिया, वो ये साइकिल किसकी आ गई? अरे पापा ये मेरे को दे देना। हाँ ठीक है तेरे को दे दूंगा, पर गाइस यार यहाँ पर देख रहे हो मैंने मेरी पूरी फैमिली को बचा लिया, अगर मैं थोड़ा भी लेट करता तो वो शीशा टूट जाता और मेरी पूरी फैमिली नीचे गिर जाती। शुक्रिया आप लोगों का, आपने मेरी मदद की मेरी फैमिली को बचाने के लिए। तो गाइस यार आज के बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले भटके तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे कोई नई वीडियो नई स्टोरी के साथ, जब तक लिए राम राम जी। We're just getting started, I know that you want it, baby just get on it, ready to go. We know how to party, pull out the Bacardi, feel it in my body.